हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएम क्लासेस। आज हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के एक्सरसाइज 7B। हम लोगों को डेरिवेटिव देखते ही हार लगता है, हमसे नंबर सॉल्व भी नहीं होती है, इसलिए मैं आपके लिए पूरी एक्सरसाइज लाई हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताते हैं, वो मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ। अगर हमें नंबर सॉल्व करना नहीं आते तो हम MBD देखते हैं। उस MBD देखने के बाद भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कैसे हुआ है, किस फॉर्मूला से हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को आसानी सब कुछ आसानी से समझा दूँगी। तो हम अभी उसके क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद सही नंबर सॉल्व करेंगे। ये देखिए हमारे क्वेश्चन है, e^(3x) सेकेंड 2^(x²) थर्ड लॉन 3x+1 फोर है log x^5। और हमें हिंट्स दी गई है log x^5 = लॉन 5/ln x, ये log x^5 भी है। 6 है लॉन साइन एक्स, सॉरी 5 है लॉन साइन एक्स, और 6x²(a^2x). अब हम एक एक करके सारे नंबर सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट है e^3x, ये देखिए e^3x। हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए फर्स्ट d/dx लेनी होगी, तो d/dx ऑफ e^3x। अब हम 3x को t ले जाएंगे, लेट 3x = t। अब हम दोनों साइड d/dx करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, d/dx of 3x = d/dx of t implies that 3 = dt/dx। अब हम 3x के जगह पर t और dt/dx की जगह पर 3 पुट कर सकते हैं, तो d/dx of e^t, इसकी डेरिवेटिव e^t है। और ये देखिए यहाँ dx है और यहाँ पे t है, तो हम इसकी अगेन डेरिवेटिव करेंगे, e^t (again derivative of t). यहाँ पे देखिए dt/dx हमें 3 निकाले हैं, तो हम dt/dx के जगह पर 3 पुट कर देंगे, e^t (3). अब हम t की जगह पर उसकी वैल्यू 3x पुट कर देंगे, 3 × e^3x। देखिए ये नंबर कैसे आसानी से सॉल्व हो गए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दी गई है 2^x²। हम इससे भी पहले की तरह d/dx लेंगे, d/dx of 2^x². अब हम लेट x²(t) इम्प्लाइज दैट d/dx of x² = d/dx of t इम्प्लाइज दैट 2x = dt/dx = अब हम x² की जगह पर t और dt/dx की जगह पर 2x पुट कर सकते हैं, d/dx of 2^t (log 2)(d/dx of t) = 2^t (log 2)(dt/dx). अब हम dt/dx के जगह पर 2x पुट कर देंगे, 2^t (log 2)(2x). अब हम 2x को आगे ले आएंगे और t के जगह पर x² पुट कर देंगे, 2x (2^x²)(log 2). यहाँ देखिए ये 2^1 है और ये भी 2^x² है, तो हम ये दोनों पावर को प्लस कर देंगे, x(2^x²)(1)(log 2). ये हमारी सेकंड नंबर भी सॉल्व हो गई। अब हम थर्ड नंबर देखेंगे, हमें क्या दी गई है, लॉन
3x प्लस वन, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे भी डी बाई डी एक्स ले जाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन 3x प्लस वन, लेट 3x प्लस वन इक्वल्स टू टी इम्प्लाइज दैट डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस वन इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी इम्प्लाइज दैट 3 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अपन 3x प्लस वन की जगह पर टी और डी टी बाई डी एक्स की जगह पर, सॉरी 3x प्लस वन की जगह पर टी और डी टी बाई डी एक्स की जगह पर 3 पुट करेंगे इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन टी इक्वल्स टू वन बाई टी एगन डेरिवेटिव टी इक्वल्स टू वन बाई टी इंटू टी, हमें डी टी बाई डी एक्स पता है 3 है तो हम डी टी बाई डी एक्स की जगह पर 3 पुट कर दें। अब हम टी की जगह पर उसकी वैल्यू 3x प्लस वन पुट कर देंगे इक्वल्स टू 3 बाई 3x प्लस वन। देखिए हमारी ये नंबर भी सॉल्व हो गई। अब हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे, हमें दी गई है लॉग एक्स टू द पावर फाइव, इनसे लॉग एक्स टू द पावर फाइव इक्वल्स टू लॉन फाइव बाई लॉन एक्स, और ये लॉग एक्स टू फाइव भी है। देखिए ये लॉग एक्स टू फाइव है तो इसके फॉर्मूला है लॉग ए टू बी टू ए इक्वल्स टू लॉग ए टू ए बाई लॉग ए टू बी, ये तो हम इस फॉर्मूला का पुट करेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू लॉग ई टू फाइव बाय लॉग ई टू एक्स। देखिए ये लॉग है तो यहाँ ये लॉन फाइव हो गया और ये लॉन एक्स हो गया। अब हम लॉन एक्स को ऊपर ले जाएंगे, लॉन फाइव इंटू लॉन एक्स इनवर्स, ये देखिए लॉन फाइव कॉन्स्टांट है तो हम इसे बाहर लिख देंगे और लॉन एक्स इनवर्स को डेरिवेटिव करेंगे, लॉन फाइव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स होल इनवर्स। डेरिवेटिव करेंगे तो इक्वल्स टू लॉन फाइव इंटू माइनस वन लॉन एक्स इनवर्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स, यहाँ पे इनवर्स है तो ये अगेन डेरिवेटिव हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस लॉन फाइव इंटू लॉन एक्स इनवर्स स्क्वायर वन बाई एक्स, ये माइनस है यहाँ पे तो ये आगे आके लग गया, ये देखिए इनवर्स स्क्वायर है तो ये नीचे आ जाएगा इक्वल टू माइनस लॉन फाइव बाई एक्स इंटू लॉन एक्स स्क्वायर। हमारे ये फोर्थ नंबर भी सॉल्व हो गई। अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं, हमें नेक्स्ट दी गई है लॉन साइन एक्स, हम इसे भी डी बाई डी एक्स ले जाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन साइन एक्स, लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी इम्प्लाइज दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स इम्प्लाइज दैट कॉस एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अपन साइन एक्स की जगह पर टी और कॉस एक्स सॉरी डी टी बाई डी एक्स की जगह पर कॉस एक्स पुट कर सकते हैं, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन टी इक्वल्स टू वन बाई टी अगेन डेरिवेटिव टी इक्वल्स टू वन बाई टी इंटू ये डी टी बाई डी एक्स कॉस एक्स है तो ये कॉस एक्स हो गया। अब हम टी की जगह पर उसकी वैल्यू साइन एक्स पुट कर देंगे, कॉस एक्स बाय साइन एक्स इक्वल्स टू कॉट टी एक्स कॉट एक्स, यहाँ पे देखिए कॉस एक्स बाय साइन एक्स इक्वल्स टू कॉट है तो कॉट एक्स लिख दिया। हमें ये नंबर भी सॉल्व हो गई। अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं, मैं दी गई है एक्स स्क्वायर इंटू ए टू द पावर टू एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ए टू द पावर टी एक्स, ये देखिए यू वी के फॉर्म में है तो हम इसे प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे, तो ए टू द पावर टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर टू एक्स। अब हम दोनों को डेरिवेटिव करेंगे
इक्वल्स टू ए टू द पावर 2x इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 2x लॉग ए डिवाइड dx ऑफ 2x इक्वल्स टू 2x इंटू ए टू द पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर ए टू द पावर 2x इंटू लॉग ए इंटू 2 इक्वल्स टू 2x इंटू ए टू द पावर 2x प्लस ए 2x स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 2x इंटू लॉग ए। देखिए दोनों पे 2x इंटू ए टू द पावर 2x कॉमन है तो दोनों से कॉमन ले जाएंगे इक्वल्स टू 2x इंटू ए टू द पावर 2x इंटू 1 प्लस x इंटू लॉग ए। देखिए ये नंबर भी हमारे सॉल्व हो गए। इसी तरह से हमारे सारे नंबर बहुत आसानी से सॉल्व हो गए। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड्स आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और नेक्स्ट वीडियो पे हम एक्सरसाइज 7 से करेंगे। थैंक यू।